इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पग एक बात स्पष्ट कह देता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पग एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए, यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती, मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और साहब सत्ता की लालच देखिए, लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला, मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है।